ओह नो, इस बार भी मैं उनका पीछा नहीं कर पाया। मेरा राज किसी को बताएंगे नहीं ना, मेरा राज राज ही रखेंगे ना। इस मुगलते में मत रहना हो बहना। जैसे ही मुझ पर पैसों की बरसात रुकेगी कि मेरी जुबान और जीजाजी के कान सारी सच्चाई एकदम बक 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 बक। शुक्र है भगवान का, सब सो रहे हैं। गई थी तुम? क्या इतने सालों में तुमने ये भी नहीं जाना कि गरोड़िया परिवार की बहू बेटियां दिन ढलने के बाद बिना कोई काम के घर से बाहर नहीं निकलती? क्या ये सभ्यता भी अब तुम्हें सिखानी होगी? पिछले कई दिनों से देख रही हूँ तुम हमेशा खोई सी चिंता में रहती हो। बात क्या है? जानना तो मैं भी चाहता हूँ मोटी बा। मैंने भी छोटी माँ को पैसे ले जाते हुए देखा था। ऐसी कौन सी बात है जो छोटी माँ हम सबसे छुपा रही है? जवाब दो मेनका, चुप क्यों हो? जी मैं वो मैं मंदिर गई थी। मंदिर? बा, मैंने मन्नत मांगी थी नेहती की सेहत के लिए कि मैं रोज बिना भूले दिन में मंदिर जाया करूंगी, इसलिए मंदिर गई थी। तो रात को जाने की क्या जरूरत थी? सुबह मंदिर नहीं जा पाई और मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा था, इसलिए रात को मंदिर चली गई। तो हमें बता कर जाती मेनका। मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं चाहती थी ये बात घर वालों को पता चले। पहले ही इस घर में इतनी परेशानियां और परेशानियां बढ़े। मेरा विश्वास है कि हमारा घर दुखों से उबर आएगा और इस घर को वारिसदार मिलेगा, इसलिए मैं प्रार्थना करने चली गई थी। रात बहुत हो चुकी है, सब लोग जाके सो जा। जी बा। दर्शन करने ही गई थी छोटी माँ, तो फिर साथ में इतना पैसा क्यों लेकर गई? जिस रास्ते पर वो गई थी वो रास्ता मंदिर की तरफ तो नहीं जाता। छोटी माँ जो कह रही है बात उससे कुछ बड़ी है। करण तुम बैठो, मैं सामान रख के आती हूँ।
आप कल रात को पुलिस स्टेशन क्यों गए थे? मैं? और पुलिस स्टेशन? भला मैं क्यों पुलिस स्टेशन जाने लगी? मेरा वहाँ क्या काम? जरूर तुमने किसी और को देखा होगा और सोचा कि छोटी माँ है। I'm sorry, छोटी माँ। कोई बात नहीं, मैं कोई जरूरी काम से जा रही हूँ, चलती हूँ। सुबह मंदिर नहीं जा पाई और मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा था, इसलिए रात को मंदिर चली गई। अब भी छोटी माँ के मंदिर में पैसे ले जाने वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। क्या छोटी माँ झूठ बोल रही थी? अगर ऐसा है तो जरूर छोटी माँ झूठ की आड़ में कोई बात छुपाना चाहती है। क्या हो सकती है वो बात? करण वो लक्ष्मण। करण, कौन सी सोच तुझ पर इतनी हावी हो गई कि तुझे अपनी माँ की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही? पिछली बार लक्ष्मी के परिवार के बारे में जो तुमने कहा था, क्या तुम उसी के बारे में अभी भी सोच रहे हो? हाँ माँ, लेकिन अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैं अभी किसी चीज के बारे में श्योर नहीं हूँ। और माँ, ये बात लक्ष्मी के परिवार वालों से जुड़ी हुई है और वो गलती मैं अब दोबारा नहीं दोहराना चाहता जो मैंने पहले की थी। तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा और हमारी वो सारी प्रॉपर्टी जो तुमने धोखे से अपने नाम कर ली है ना, उसे भी वापस करनी होगी। कजरी, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत तोहफा लाई हूँ। देखो देखो, रीजान ये क्या? मैं तुम्हारे इतने प्यार से तोहफा लाई हूँ और तुम जब देखो गुस्से में रहती हो। शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊँ रसीली भाई? ये जो लड़की है ना, इस घर की बेटियां, ये मेरी जान पर बनाई है। मुझसे कहती है इस घर को छोड़कर चली जाओ, मुझसे? क्या समझती क्या है अपने आप को? ओह ओ मेरी जान, ये बेटियां अपने आप को जो समझती हो समझे। हर बात को अपने फायदे में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए इस बारे में सोचो। अनजाने में ही सही, इन लड़कियों ने हमें कमाल का तुक्का दे दिया है। क्या? अब आप क्या तुक्का लगाने वाली है इस पर? मेरी जान, ऐसा तुक्का लगाऊंगी कि देखना, सीधा तीर बन के गरोड़िया परिवार के दिल में घुसेगा और वहाँ तुम्हारे लिए रास्ता बना देगा। क्या कहा था उन लड़कियों ने? इस बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ दो। तो छोड़ दो मेरी जान, फिर देखना गरुड़िया परिवार तुम्हें कैसे नहीं अपनाता। वैसे कुछ भी कहो रसीली भाई, चाहे मैं आपको कितनी भी चली कटी क्यों ना सुना दूं, पर आपका ये जो दिमाग है ना, कमाल का है। पुजारी काका, कल छोटी माँ यहाँ मंदिर आई थी तो शायद उनका पर्स यहाँ रह गया था। नहीं नहीं, तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हो रही है। पुजारी काका, मेनका जी, मेनका गरोड़िया। जानता हूँ मैं बेटा, पर कल की बात छोड़ो, उनको तो मंदिर में आए हुए कई दिन हो गए हैं। क्या माँ, मैंने मन्नत मांगी थी कि रोज बिना भूले मैं दिन में मंदिर जाऊंगी, भगवान के दर्शन करने,
इसलिए मंदिर गई थी। प्रसाद लो बेटा, सुखी रहो। यानी मेरा शक सही था, छोटी माँ झूठ की आड़ में कोई ना कोई बात तो जरूर छुपा रही है, और यह बात तभी पता चल सकती है जब यह पता चले कि कल छोटी माँ कहाँ गई थी। ये रसिक भाई वापस क्यों फोन कर रहे हैं? हाँ बोलो रसिक भाई। जय श्री कृष्ण प्रभु। अब क्या है? पैसा चाहिए। कल ही तुम्हें मैंने 1,00,000 रुपए दिए थे, अब कहाँ से लाऊं इतने सारे रुपए? कहाँ से लाएगी न क्या करेगी, उससे मुझे क्या। देख बेटा, अगर तुम पैसे का इंतजाम नहीं कर सकी तो तुम्हारा लेखा जोखा तो है मेरे पास, इसलिए मुझे मजबूर होकर जीजा जी को बतानी पड़ेगी। चल पैसा लाना हो बेना, वो कुछो फोन। हेलो रसिक भाई। कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं, ऐसे फंसी हूँ रसिक भाई और सच्चाई के हाथों कि अब तो पैसों का इंतजाम करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ये युवराज और नियति कहीं नजर नहीं आ रहे। युवराज ऑफिस जल्दी चला गया? नहीं नहीं, वो तो घूमने गए हैं ताकि नियति को भी थोड़ा बदलाव मिले, थोड़ी ताजगी मिले। बस आते ही होंगे। जय श्री कृष्णा पापा। जय श्री कृष्ण बेटा। 100 साल की उम्र है तुम्हारी, अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। ये सब क्या है खजरी भाई? बापूजी। मत कहो मुझे बापूजी। कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लकीर को पार करके हमारे सामने यूं आने की? मैं दरअसल ये लकीरी मिटा देना चाहती हूँ। ये गरोड़िया खानदान के आधी प्रॉपर्टी के पेपर्स है। जो मेरे नाम पर थे मैंने इन पर दस्तखत कर दिए हैं। अब हम लोग आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहते। जहां हमारे बच्चे की कोई
मेरे बच्चे की कोई जगह ना हो, भरोसा ना हो, उसे अपनाया नहीं जाता, बाहर रहकर क्या फायदा? क्या फायदा ऐसी जायदाद का जहां उसके वारिस को ठुकराया जा रहा हो? इसलिए मैंने और असली बाई ने फैसला किया है कि हम ये घर छोड़कर ही चले जाएंगे। फिर चाहे मैं अपने आने वाले बच्चे की परवरिश कोठे पर करूं, लेकिन मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि कोठे पर रहकर भी मैं अपने बच्चे को गरोड़िया परिवार जैसे संस्कार दूंगी, उस पर कोठे के माहौल का साया पड़ने नहीं दूंगी। चलिए रसीली भाई। रसीली भाई, हमने कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली ना? अगर किसी ने हमें नहीं रोका तो? मेरी जान, अब ना ही रुकना ना ही पीछे मुड़कर देखना, वरना ये लोग समझ जाएंगे कि ये सब हमारा नाटक था और फिर इनका विश्वास जीतना नामुमकिन हो जाएगा। ये कजरी सच में घर छोड़कर जा रही है या कोई दिखावा कर रही है? सुनिए, मामी जी, हमने बहुत तकलीफें पहुंचाई हैं आपको, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारे यहां से जाने के बाद आप लोगों को शांति और खुशियां वापस मिल जाएंगी। मैं आज सच्चे मन से ईश्वर से और आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि हो सके तो मुझे और मेरे बच्चे को माफ कर देना।